यार आ जाओ कसम से, एक पंखा तो मैंने साफ कर लिया ये वाला, अभी एक और पंखा उसके बाद किचन को साफ कर लेना वरना। जी सही, जी सही सलाह लेकिन सर। हाँ जी सही, जी सही, न सही न सही सही है सही, ठीक है मैं भी आ गया। शुक्र है दुआ है यार, मास्क वास्क तो उतार दे, अभी गर्मी लगी हुई है, पंखा चला नहीं रहा पानी पीने। और आने में तो तकलीफ वगैरह तो नहीं हुई ना? चलो बस पानी वानी पी लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर साथ मिलके पंखे साफ कर लो। बस भाई ज़्यादा काम वगैरह है नहीं, यही थोड़ा काम है, घर तो तुमने भी देखा हुआ है, तुम्हारे बड़े भी इधर काम करते हैं, और घर तो बस ये पंखे वगैरह साफ करने और झाड़ू पोछा, और ज़्यादा काम नहीं है, दरवाजे पे पेट बच जाए तो चला जाएगा। बाकी यार कोई अगर शेफ तुम्हारे गांव में हो तो फिर देख लेना, कोई शेफ की ज़रूरत है, कभी दावत वावत हो जाती है तो। साईं को मसलो को नहीं साईं, बस ऐसा हम ना कर लेंगे सर, कोई मसला नहीं है। हाँ साईं कम थोड़ो आधाफा साईं, और सर ये शेफ जो आप बोल रहे हैं वो बोर्ची ना साईं, वो माँ कम कर जानी दो साईं, मैं कर लूँगा वो। ठीक है सर साईं, को मसलो ना है। ठीक है साईं, भले तरह ए सी की ज़रूरत ना है साईं, पंखों भी सही है, पंखा भी ठीक है। ये नवाब साहब, ये बेल पे गए तुम, कौन था उधर? नहीं देख क्या थी इसको, तो मैं बताती हूँ, इसको लाड साहब को देख लो, बैठा कैसे हुआ है। जी अम्मी आपने बुलाया? जी आ गया नवाब साहब हैं, उसको उधर आके बिठाया, तुम्हारा आया है वो, बताओ मैं उसको उधर बिठा दिया सोफे पे, हम उधर बैठते हैं मेहमानों के लिए सोफा, नहीं इंसान है तो क्या सर पे बिठा दें हैं बेटा, बिठा देते ना, काम करने आया ना, सफाई करने आया इंसान है अम्मी, तमीज करो कुछ। जी मालिक, वो हमारे हेल्पर हमें मदद करते हैं घर का सारा काम करने में, तो वो उनकी तो रिस्पेक्ट हमारे दिल में होनी चाहिए ना माँ, अगर वो क्या कहते हैं गरीब हैं तो उनका थोड़ा ही कसूर है, लेकिन वो हमारे काम तो आते हैं, अगर वो ना हो तो फिर ये सारा घर की सफाई कौन करेगा। हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो उनके मतलब हुकूक बताए, अलग इंसानी हुकूकों में उनके भी हुकूक आते हैं माँ। आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, लेकिन मैंने यही तो पढ़ाया मैंने कि अपने छोटों की तमीज करो, गरीबों से इखलाक से पेश आओ। बेटा वाकई तुम सही कह रहे हो, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। और हाँ बेटा जी आप भी, ये क्या कहते हैं मेरे बेटे ने जो मेरी आंखें खोल दी, अब आप भी घर जो मुझे देख रहे हैं प्लीज अपने हेल्पर्स जो आपको काम करते हैं उनके लिए उनका ख्याल किया करें, उनको पानी में पिलाया करें, मजदूर की पसीने से पहले उसकी मजदूरी उसको देनी चाहिए। और हाँ अगर रोटी बना रहे हैं तो अगर दो रोटी ज़्यादा बना लेंगे तो आप गरीब नहीं हो जाएंगे, दो रोटी वो ज़्यादा बना के उन गरीबों को खिला दें। फिर मैं ये आलू काट लेती हूँ। क्या कहते हैं बच्चों की बच्चों